मैं आज हमारे बीच में हमारे भाई संदीप वाल्मीकि जी आपके बीच में पधारे हैं। मैं नरेला की तरफ से पूरे समस्त समाज की तरफ से भाई का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। समाज की आवाज है और हम सब इनके सिपाही हैं, सेनापति हैं इनके। सब लोग जो भाई जिस फील्ड में आगे जा रहा है, मैं केवल राजनीति की बात नहीं कर रहा, वो स्पोर्ट्स में भी है, तो सबको मिलकर साथ देना चाहिए। वो राजनीति में है तो राजनीति में भी साथ देना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में आपकी कोई भी प्रतिभा, जब तक आप उसको सहारा नहीं दोगे, वो प्रतिभा अपना नाम, अपने समाज का नाम रोशन नहीं कर पाएगी। तो सब साथियों से यही आग्रह है कि अपना समाज का कोई भी बच्चा आगे बढ़ रहा है, कोई भी साथी आगे बढ़ रहा है, उसका मनोबल बढ़ाए, उसका मनोबल घटाए नहीं, और समाज को एक रखने के लिए प्रयास करें हमेशा। बहुजन, आप लोग बहुजन का नारा देते हो, लेकिन हम बहुजन अभी हुए नहीं है पूरी तरीके से। जो मिशन है वो हम लोगों से अधूरा है। हमारा शोषण कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही है। हम कांग्रेस को दोष देते हैं, भाजपा को दोष देते हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी को दोषी हम सब है। जो सामने बैठे हैं हम सब दोषी है। हम आपसी जाति भेद रखते हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारी जो आरक्षण की लड़ाई है, जो हमारे अधिकारों की लड़ाई है, वो कभी समाप्त नहीं होगी। और हमारा दर्द हमेशा, आजादी के 50-60 साल चले गए और 50-60 साल इंतजार करोगे, शोषण होता रहेगा। आप मन में से हीन भावना निकाल दो कि हम दलित है। हम दलित नहीं है, हम सर्वणों से भी आगे है। हमारे पास इतना ज्ञान है, इतना विज्ञान है, इतनी क्षमता है, इतना कैलिबर है कि हमें कोई रोक नहीं सकता। हम दुनिया को सिखा सकते हैं। उस बाबा साहब को अपना आइडल मानो। बाबा साहब ने पूरी दुनिया को हिला दिया। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं, विश्व इनके आगे घुटने टेकता है, इनके संविधान के आगे घुटने टेकता है। आप इस संविधान को, हमारा संविधान मत कहिए, इस संविधान को देश का संविधान बताओ, जिससे इस संविधान का गौरव बढ़े, बाबा साहब का गौरव बढ़े। मैं बोलने को तो बहुत सारी बातें, और संदीप भाई लेट हो रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे इशू है जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं भाई को थोड़ी जल्दी है, कई कार्यक्रम में जाना है, और बहुत सारे वक्ता भी यहाँ बैठे हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें आपके बीच में आएगी। तो मैं हमेशा आपको ये कहूंगा, हमारा आदमी कोई भी है उसका मनोबल बढ़ाओ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। भाई संदीप कुमार, वाल्मीकि भगवान की, वाल्मीकि शक्ति। आदरणीय साथियों, तमाम नरेला के निवासियों, और ये जो आयोजक समिति है इसके तमाम मेंबरान, आप लोगों ने इतना सुंदर आयोजन संविधान के ऊपर किया, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। आज पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, और तथागत बुद्ध मैं कई बातों पे लोगों से थोड़ा एक राय नहीं रखता। लोग बहुत सारे कहते हैं भगवान बुद्ध, मैं बुद्ध को भगवान नहीं मानता। तथागत बुद्ध जो थे वो ज्ञान का प्रतीक है, शौर्य है इस धरती का, जिसने पूरी दुनिया को बुद्ध दिया, और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान क्रांतिकारी लोग समाज की बात रखने वाले इस जमीन में पैदा हुए। और आपको एक ऐतिहासिक बात बताता हूं, बहुत सारे लोग नहीं बता पाते, इस धरती पे इस राम का घोड़ा अगर किसी ने रोका था तो गुरु वाल्मीकि भगवान के शिष्यों ने रोका था। पहली क्रांति करने वाले इस धरती पे लव और कुश थे, जिन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं के खिलाफ खड़े होकर के भाई राम तू जो ना पूरे दुनिया का राजा नहीं हो सकता, हम भी हैं यहाँ पर। और राम परिवार में आप फोटो देखते होंगे, हनुमान, लक्ष्मण, राम, सीता, यार दोस्तों से परिवार बनता है क्या? तो ये हमारे जो पूर्वज थे, जो इस देश को दिया उन्होंने, वो अद्भुत है। चाहे एकलव्य की बात हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो, और जो इस व्यवस्था में आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा लड़े माननीय साहब श्री कांशीराम जी की बात हो, ऐसे भीम पुत्र थे माननीय साहब श्री कांशीराम जी। तो मैंने एक नारा भी दिया है कि हमारा राम, हमारा राम,
हमारा राम काशी राम है भाई। ये जो लोग आडंबर करते, मैं खुल के मुखालफत करता हूँ। हम किसी भगवान को नहीं मानते, हम सिर्फ वाल्मीकि जी को भगवान मानते हैं, सृष्टिकर्ता मानते हैं, त्रिकालदर्शी मानते हैं। और इनके राम को भी उन्होंने पूरी दुनिया में या इस भारतवर्ष में इन लोगों को बताया कि कोई राम नाम का भी करेक्टर था, पात्र था रामायण में। और आज इनके राम को न्याय भी इस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया, इनके औकात नहीं थी न्याय भी देने की। बहुत सारी बातें हैं, मैं संत रविदास जी महाराज को भगवान नहीं मानता, मैं कबीर साहब को भगवान नहीं मानता, मैं इन सब को तथागत बुद्ध के अनुयायी, ये अंबेडकरवादी लोग थे। ये लोग जो व्यवस्था इस देश में चलती है उससे टकराने वाले लोग थे, उन दुर्जनों से मुकाबला करने वाले लोग थे। संत रविदास महाराज कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन कौन, छोट बड़ा सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। और ये संविधान पता है उस दिन माना जाएगा जिस दिन इस ग्राउंड में चूड़ेर तुम्हारा की छोरी का छोरे का ब्याह होगा भाई। ये लोग जो है ना आपस में फरेज करते हैं, ये लोग आपस में परहेज करते हैं। बहुत सारे ऐसे चमार दिखा दूंगा जो अपने आप को बहुत बड़े अंबेडकरवादी समझते हैं, लेकिन जब बात उनके बड़का ब्याह की आती है ना तो वो साथ फेरे भी लगवाते हैं, पंचशील को भूल जाते हैं। बहुत सारी ऐसे, मैं भी कुका मेडी पे लोग आ रहे थे, मैंने उनका टंप पकड़ लिया, मैं कौन सी बिरादरी को, कह रहे हम तो जाटव हैं। और इन जाटों ने सारा ठेका ले रखा देश का, कि काशीराम सिर्फ मारा है, बीएसपी सिर्फ मारी है, हम इस देश के नेता हैं। तो मनुवादी कहीं भी पैदा हो सकता है, और मेरे वाल्मीकि समाज में सबसे ज्यादा मनुवादी है। वाल्मीकि भगवान कभी नहीं कहते कि तुम लोग जो ना बड़े बड़े मंदिर बनाओ, मेरी घंटियां बजाओ। वाल्मीकि भगवान कहते हैं कि मैंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, जिसे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, आदर्श मानते थे। वो कहते कि लड़ना शुरू करो अन्याय के खिलाफ। पहले ही श्लोक में गुरु महाराज ने कि जब पक्षी के तीर मारा लगता दिखता है वो अपनी गोदी में बिठाते हैं, उनके लिए श्लोक निकलता है। तो बहुत सारे लोगों ने गलत गलत चीजें प्रचारित की हैं वाल्मीकि समाज के लिए। और मैं बहुत सारे लोगों ने यह भी नहीं बताया होगा, यादव समाज के लोगों को बताना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज कहीं पहुंच रही है तो, कृष्ण जी के लिए मैं उनको भी भगवान नहीं मानता, लेकिन एक क्रांतिकारी युवा जरूर मानता हूं। उसकी वजह है, जब पूरा स्वयंवर हो रहा था इनका, इनके द्रोणाचार्य ही बैठे थे और इनके भीष्म पिताजी भी बैठे थे, एक नारी के कपड़े उतर रहे थे द्रौपदी के लिए, सारे के सारे तमाशबीन हो रहे थे। एक युवा आता है यादव परिवार का गवाला, जिसको कृष्ण कहते हैं, वो उस नारी को चीर देता और उसकी आबरू बचाता है। तो क्रांति एक बात कभी नहीं बताते, कहते जी लते ठाके बाज गया था, इतनी सारी गोपियां रखता था। और गोपियों की भी कहानी बताता हूं मैं, 16,000 कन्याएं थी जिनके घर वालों को मार दिया गया था इन लोगों की तरफ से जो आर्यन से। जब वो कन्याएं घूम रही थी तो उनको नाम दिया था कृष्ण ने कि तुम लोग मेरा नाम लगा सकती हो। अच्छी बातें आपको कोई नहीं बताया, ब्राह्मण कभी नहीं बताएगा आपके अच्छे कामों को, गलत कामों को हमेशा प्रचारित करेगा। आज इस देश में लड़ने की जरूरत है तो सिर्फ ब्राह्मणवाद से लड़ने की जरूरत है, मनुवाद से लड़ने की जरूरत है। आज हम लोग खूब मुखालफत करते हैं कांग्रेस की, भाजपा की, लेकिन उनको बनाने वाले कौन लोग हैं? बाबा साहब अंबेडकर को धोखा किसने दिया? इन चूड़े चवारों ने तो दिया धोखा, और कोई ब्राह्मण थोड़ी देने आया था। और एक और बात कहना चाहता हूं, हम लोग किसी पार्टी के लोग नहीं है, अगर कहीं गुलामी है तो हम उस पार्टी के लोग नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर जब चुनाव हारे ना, उस दूध वाले से, दूध बेचने वाले से, तो उसने एक पार्टी रखी और बाबा साहब को बुलाया और कहने लगा कि बाबा साहब मैंने आपको हरा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मूर्ख हाथी बैठ भी जाना गधे से बड़ा होता है। कुछ लोग जो है ना अपना कद बड़ा सोचते हैं, अरे कद तो जो है ना बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं जिनकी हाइट पता नहीं कितनी कितनी, कद बनता है आपके कर्मों से, आपने समाज के लिए क्या किया। काशीराम के पास तो कोई घर नहीं है, साहब काशीराम का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है, उसका परिवार भी नहीं आगे, लेकिन आज काशीराम जैसा कोई भीम पुत्र नहीं है। राशन कार्ड में नाम लिखवाने से ना कोई दादा पोता नहीं बन जाता। ये बहुत सारे घूम रहे महाराष्ट्र के, मैं पड़पोता हूँ जी बाबा साहब का, मैं फलाना हूँ जी, मैं ढिकड़ा हूँ। अरे तुम लोगों ने सिर्फ रॉयल्टी खाई बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, तुम लोग महाराष्ट्र में कभी सरकार नहीं बना पाए। और मैं सल्यूट करता हूँ यूपी के चमारों को और वाल्मीकि समाज के लोगों को जिन्होंने चार चार बार अपनी सरकार बनाई।
और दिल्ली में अगर वाल्मीकि और चमार इकट्ठे हो जाए ना, हमने तीसरी जात की जरूरत नहीं है, हम लोग अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोग वो नारा भूल गए साहब काशीराम का कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको ब्राह्मणों से पहले, सबसे पहले अपने भाइयों को गले लगाना पड़ेगा। इस सरल समाज की बात करनी बंद करनी पड़ेगी आपको। अगर सरल समाज की बात सही होती तो तथागत बुद्ध भी कह के जाते कहीं पर, बाबा साहब अंबेडकर भी कह के जाते। हम लोग बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय की बात करते हैं। ये जो छोटी छोटी जातियों में हमें बांट दिया, हम लोगों ने अलग अलग जाति के अलग अलग भगवान बना लिए, सारे चाल पर आजकल धोबी भी, दानक भी, वाल्मीकि भी, जाटव भी, सारे लोग लगे हुए हैं और उनकी बात भी नहीं मानते, उनकी बात नहीं मानते महापुरुषों की, लेकिन मरने मारने के लिए तैयार जाते हैं। ऐसा जज्बा अगर हम लोग इस संविधान को बचाने के लिए हम लोग लड़े तो मुझे नहीं लगता कि किसी भगवान की जरूरत पड़ेगी। भगवान हमारे आराध्य हो सकते हैं, लेकिन इन मंदिरों के बाहर भिखारी क्यों बैठे हैं? अरे इस देश में जब महिलाओं का, बच्चियों का, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है तो ये कहां जाती है दुर्गा? लोग 9 दिन तक नवरात्रे बिठाते हैं घर में, सब कुछ करते हैं, बड़े बड़े मंदिर बना दिए, मठ बना दिए, ये दुर्गा कहां जाती है समझ में नहीं आता, ये काली कहां जाती है समझ में नहीं आता, कहां जाते हैं जब हमारे छोटे छोटे बहन बेटियों को सरेआम बेआबरू किया जाता है, हमारे लोग मूछे रख लेते उनकी मूछे उखाड़ दिया जाते, मार दिया जाता है। अभी शेखुपुरा हरियाणा में वाल्मीकि समाज के मंदिर में घुस के गोली मार दी सरदारों ने। हो सकता है आपका कुछ मतभेद हो, लेकिन उस लड़ाई में विजय बोध भाई और मैं दोनों ने मिलकर के उनकी लड़ाई लड़ी और पुलिस प्रशासन को झुकाने का काम किया। 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने FIR में करेक्शन करवाई और सारे के सारे एक्ट डलवाए और वहां पर उनको जो मुआवजा मिलता है वो भी दिलवाया। और आगे की बात सुन लो, हम लोग कह दे के हम लोग जो डेड बॉडी नहीं लेंगे। हमारे ही समाज के लोग वहां दलाली करने पहुंच गए और पैसे लेके उस लड़के का अंतिम संस्कार कर दिया। ये कैसा समाजवाद है, ये कैसा समाजवाद है? और वो लोग समाज में जब जाते हैं तो कहते हैं हम लोग फलानी फैमिली से, ढिकड़ी फैमिली से। आज ईमानदारी की जरूरत है आप लोगों को, अपने समाज के प्रति, अपने भाइयों के प्रति आप लोग ईमानदार हो जाओ। बहुत अच्छी बात कही थी भाई ने कि जो आप अपने साथ व्यवहार नहीं चाहते वो दूसरे के साथ मत करो। और चुनना जो है ना, चुनना जिंदगी में ना हर किसी आदमी के जीवन में 2 दिन महत्वपूर्ण होते हैं भाई। जिस दिन काशीराम ने जन्म लिया होगा, बाबा साहब अंबेडकर जिस दिन पैदा हुए, बहुत सारे लड़के पैदा हुए, गणेश के घर में थाली बाजी होगी, लेकिन जिस दिन वो महापुरुष मरे तो सारी दुनिया को पता था कि आज वो उनका महापरिनिर्वाण होगा और वो धरती को छोड़कर चले गए। ऐसे काम करो, जिस दिन आप लोगों ने ये पता चलेगा हम पैदा क्यों हुए, उस दिन जीवन साकार होगा। ये गाड़ी बंगले घोड़े गाड़े ना, ये सब बहन जी भी आड़े छोड़ के जाओगे, हम भी आड़े छोड़ जाओ, कोई गिला नहीं लेके जाओ। तो अगर कुछ साथ जाएगा तो आपके विचार जाएंगे। और हमारे महापुरुषों के, सम्राट अशोक से लेके, तथागत बुद्ध से लेके, बाबा साहब अम्बेडकर से लेके, माननीय साहब श्री काशीराम से लेके, हमारे बुजुर्गों के जो विचार है ना, इनसे दिक्कत है इस ब्राह्मणवादी सिस्टम को। और ये विचार ऐसा, इसकी कोई काट नहीं है। पूरी दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर को माना जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। और इस देश के प्रधानमंत्री जो विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया। और यहां पर क्या होता है, ये लोग जो है ना संविधान को जलाते हैं और मनुवाद को ऊपर लाने की कोशिश हो रही है। साथियों, इन लोगों ने कहा कि राम मंदिर बनाएंगे, बना लो मंदिर, हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग, हमारे लोग, जब हम लोग वाल्मीकि भगवान का जिक्र करते तो राम अपने आप जुड़ता है, क्योंकि राम का चरित्र, उसके परिवार का जिक्र कहीं होता है तो वाल्मीकि रामायण में होता है। अगर इनको, इनके इतनी अंदर इंसानियत हो तो इनको सबसे पहले वाल्मीकि भगवान का मंदिर बनाना चाहिए। और इस केंद्र की सरकार को 1 करोड़ रुपए मैं दूंगा, ये लोग प्रस्ताव पास करें केंद्र में, 1 करोड़ रुपए हम लोग देंगे, समाज से इकट्ठा करके देंगे, पहले वाल्मीकि भगवान का वहां पर मूर्ति का वो स्थापना। लेकिन ये लोग नहीं करेंगे, इन्होंने तो वाल्मीकि जी को भी दलित बना दिया, इन्होंने वाल्मीकि जी को भी शूद्र बना दिया, तो आप लोगों की तो औकात क्या है? तो ये समझने की जरूरत है कि आज इस देश में चल क्या रहा है।
ये देश नाकाबिल लोगों के हाथ में है। आज काबिल लोग सत्ता से बाहर हैं और नाकाबिल लोग इस देश को चला रहे हैं। देश को चलाने का मतलब होता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत करे कि दुनिया के लोग यहां पढ़ने आए। ये जेएनयू जैसे संस्थान को बंद करने की रोज साजिश कर रहे हैं। अरे हमें दिक्कत नहीं है, मंदिर बनाओ आप, बहुत बड़ा बनाओ, गगनचुंबी मंदिर बनाओ, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में बहन जी ने अपनी सरकार में स्मारक बनाया उसका जो फंड है वो सरकार में जाता है। मुगलों ने ताजमहल बनाया उसका फंड सारा सरकार में जाता है। क्या ये जो मंदिर बनेगा राम मंदिर इसका पैसा ब्राह्मणों के पेट में जाएगा या इस देश की सरकार में और इस देश को चलाने के काम आएगा? ये समझने की जरूरत है। आज इस देश के हालात ठीक नहीं है। हम लोग डरते नहीं है, गोली मार दो, तोप चला दो, कुछ चला दो, लेकिन हमें जीने का कारगर को चुन लिया है, माननीय साहब श्री काशीराम को चुन लिया, अब कोई इच्छा नहीं बची है जीवन में ना। ये एमएलए मंत्री सब कुछ रह के देख लिया, वो सम्मान नहीं मिलता जो समाज में मिलता है। आज मैं छोटा सा आदमी हूं, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन आज जो समाज ने सम्मान दिया है और मैं सल्यूट करता हूं चमारों को, ये गजब के लोग हैं। आज संविधान के लिए सबसे ज्यादा अगर लड़ कोई रहा है तो चमार बिरादरी के लोग लड़ रहे हैं। वो लोग पूरा का पूरा, चाहे कहीं भी एट्रोसिटी, आप एक बता दो सोशल मीडिया पे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से या विचारधारा की वजह से किसी और बिरादरी पे एट्रोसिटी हो रही है, और ये खुल के मुखालफत करते हैं कि चमारों को छोड़ दो, जी ये तो जो है ना ठीक नहीं है। इनको पता है कि चमार जो है ना गणेश को छोटा एलिफेंट कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी वो भगवान नहीं मानते। तो इस देश में बुद्धिजीवी होना गुनाह है, और वो रामदेव ने जो बात की ना इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, हम कहते हैं कि हम लोग हैं वैचारिक आतंकवादी, अगर बाबा साहब का विचार रखना आतंकवाद है तो हमारा सारा समाज आतंकवादी है, अगर बुद्ध का विचार रखना आतंकवाद है तो हम लोग हैं बुद्ध के अनुयायी, हम लोग हैं आतंकवादी। तुम्हारी औकात नहीं है, अरे तुमसे 10-15% मुसलमान तो काबू आते नहीं है, तुम दलितों से भिड़ने की औकात मत रखो, तुम्हारा इतिहास मिटा देंगे, इस देश में कोरे गांव दोहरा देंगे हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। और डर छोड़ दो, मरना तो है ही, ये करवा चौथ थाली ना बचा भाई तो भाई मरना तो है ही, लेकिन 100 साल के जीवन से अच्छा तो 23 साल का भगत सिंह है कि आज पूरे देश में शहीद आजम कहा जाता हूं। और इस सरकार से जो बहुत बड़ी क्रांतिकारियों की सरकार बनती है, मैं डिमांड करता हूं मीडिया के माध्यम से, राम वो सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी के नेता नहीं है, वो सिर्फ जनक समाज के नेता नहीं है, उन्होंने इस समाज के लिए पूरे दबे कुचले शोषित समाज के लिए, और मैं तो कहूंगा ओबीसी के लिए सबसे बड़ा काम किया, जो 27.5% आरक्षण जो मिला ओबीसी को वो माननीय साहब श्री काशीराम और चौधरी देवीलाल की देन है, ये लोग नहीं जानते, इनको समझना पड़ेगा। तो साहब काशीराम को भी भारत रत्न और भीम पुत्र का जो है इन लोगों ने रत्न देना चाहिए, भारत रत्न का जो है पदवी से नवाजना चाहिए। अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे, इस देश में मोटे संसद में बढ़ने लग रहे हैं और हम लोग मंदिरों की तरफ भाग रहे हैं। इनके भगवानों में ताकत होती ना तो औकात नहीं थी, हम लोग इतने दिन जिंदा रहते, हम तो खूब गली आते हैं इनको ना, हम तो खूब कहते हैं कि राजनीति कर दे। मैं अपनी विधानसभा में कह रखा ब्राह्मण बनिए ठाकुर वोट ना दिए भाई, उन्हें तुम्हारी नापाक वोट नहीं चाहिए मुझे, और आजीवन इस आइडियोलॉजी में रहूंगा भाई, आजीवन इस आइडियोलॉजी में रहूंगा और समाज का काम करेंगे हम लोग। हमें आज लड़ने की जरूरत नहीं है, आज हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। हमारे अंदर भी बहुत सारे ग्रुपों में आप लोगों को पता नहीं है लड़के महिलाएं बन बन के हमारे लोगों को जो ना गलत गलत बयानबाजियां करती हैं, गालियां देती हैं हमारे ग्रुपों में। आरएसएस ने इतना जबरदस्त हाईजैक कर रखा सोशल मीडिया को कि आप लोग सोच नहीं सकते, हमारे ही लोगों को आपस में लड़ा देते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी करते हैं। आज लड़ाई आपस में लड़ने की नहीं है, आप सुनामी से बेखबर है, इस देश में सुनामी चल रही है ब्राह्मणवाद की, मनुवाद की, हम लोग खुले मंच पर प्रोग्राम कर रहे हैं, आज ये तुम्हें छेड़ नहीं रहे, लेकिन इनके पास इतने बड़े बड़े हथियार असले सब कुछ है, जब एक आतंकवादी एमपी बन के देश के संसद में प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग बैठते हैं तो सोच लो उस संसद में संविधान का क्या हाल होगा। अरे देश का गृह मंत्री तड़ी पाड़ है, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, तो इस देश में जेएनयू का क्या हाल होगा? इस देश में बेवकूफ लोग सत्ता में बैठे हैं जिनको पता है इनके शिक्षा क्या होती है,
जिसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। इनको दिक्कत आपके पढ़े लिखे लोगों से है, आपको खड़ा होना पड़ेगा। जिनके घर में दो रोटी का जुगाड़ है ना, अपनी कमर कस लो भाई और नीला दुपट्टा सिर पे बांध लो कफन की तरह और चले पड़ो अपने समाज को हुक्मरान बनने के रास्ते। अरे 2020 में चुनाव है, अभी भाई ने कहा यूथ फॉर इक्वेलिटी, जो केजरीवाल आराम को उसका जो है प्रेसिडेंट रहा है, जिसने संविधान चढ़ाया था उसका प्रेसिडेंट रहा ये लोग, और ये कोई भी जेएनयू के पक्ष में नहीं आया, कोई भी ब्राह्मणवादी नेता जेएनयू के पक्ष में नहीं आया। तो ये लोग सारे एक ही चाचा ताऊ की औलाद है भाई, इन्हें टूर्नामेंट आप पे बना रखा है, अपने घर बोल ले जाए ये लोग। तो ये समझने की जरूरत है आप लोगों को, आज हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इन लोगों ने स्लेट खींच लिया अपने हाथ से और प्लेट दे दी मिड डे मील खाओ। और मैं बताऊं मेरे समाज के लोगों का चूड़े और चमारों का हाल बताता हूं, एक बार वजीफा ना है ना सारा कुड़बा स्कूल पहुंचे हमारे छोरे पीछे ना है। और फेल हो जाए कोई नहीं, कोई बात ना फेल हो जाएगा पास। अरे ये जो सरकारी स्कूल है, केजरीवाल बड़ा गुणगान कर रहा कि मैंने सरकारी स्कूल बनाए, ये सारा पैसा SC ST कंपोनेंट फंड का लगा रखेंगे। ये जो हमारे बच्चों का मांड था यहां पर भाई और ने बहुत अच्छा, ये पार्क जो है ना अंबेडकर पार्क है, यहां पर जो एक बहुत बड़ा भवन बनना चाहिए, जो पैसा यहां पर लगना चाहिए हमारे लोगों की व्यवस्था के लिए, उसको क्या कर रहे हैं बिल्डिंग बना रहे, मास्टर भर्ती नहीं कर रहे, मास्टर भर्ती नहीं हो रहा, क्योंकि मास्टर पढ़ाएगा और बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, सिर्फ बिल्डिंगें बना रहे हैं, बिल्डिंग में 30% कमीशन जाता है सरकारों का, ये पैसा कमा रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं अगर हमारी सरकार बन गई कभी इस देश में और दिल्ली में, तो एक केजरीवाल जैसे मैंने कहता था ना, मैं शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, मजीठिया को जेल भेजूंगा, इसकी तो औकात नहीं जेल भेजने की, लेकिन मैं गारंटी देता हूं दिल्ली के तीन दलाल मनीष जैन केजरीवाल इन तीनों ने जेल में डालने का काम करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। और आप लोग जैसे अपने बच्चों के लिए सोचते हो, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आपका अगर बच्चा, आप उसको बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो, बहुत अच्छे कपड़े पहनाते हो, अच्छी अच्छी गाड़ियां लेने का काम करते हो, अच्छा घर बनाते हो, कोई स्वार्थ नहीं रखते इस समाज के लिए, जैसे काशीराम ने अपने बच्चों के लिए सोचा ना, इस समाज को काशीराम अपना बच्चा सोचता था, आपको वैसे समझना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों के कुछ विवाद हो सकते हैं, इस प्रोग्राम में भी कुछ विवाद हुआ, लेकिन मैं अपने भाइयों को एक बात बताना चाहता हूं, आप लोग कितने लोग 26 अलीपुर रोड गए हाथ खड़े करना एक बार, उसकी लड़ाई विजय बोध ने 13 साल लड़ी। विजय बोध मैं बता देता हूं, मैं बताता हूं, वहां पर ओपी जिंदल, कोई बात नहीं बैठा, कोई बात नहीं टॉपिक वगैरह, वहां पर नवीन जिंदल का कब्जा था। संविधान की बात करो, विजय बोध की बात मत करो, संविधान की बता रहा हूँ, वह संविधान बाबा साहब ने, कोई बात नहीं उसकी बात नहीं कर रहे हम, आप बैठो कोई बात नहीं, मैं बताऊं आपको, वहां पर नवीन जिंदल ने कब्जा कर रखा था, वहां पर इतना अच्छा बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, आप जाके देखना सारे के सारे लोग, वो प्रेरणा है। हम लोग अपने बच्चों को पता झंडे वाला ले जाएंगे, हम लोग अपने बच्चों को ट्रेड फेयर ले जाएंगे, महापुरुषों के जो स्मारक है नागपुर लेके जाओ, आप लोग जो उत्तर प्रदेश लेके जाओ, 26 अलीपुर रोड लेके जाओ, जहां महापुरुषों के बारे में इतिहास बताया जाता है। हमारा अगर कोई भगवान है तो बाबा साहब अंबेडकर, जिसकी वजह से संविधान की वजह से हमें सारे अधिकार मिले। 1950 से पहले कोई भगवान नहीं आया भाई हमें यहां पर अधिकार दिलाने, और हमारे भगवानों को इन लोगों ने बदनाम किया, फायदा तो उठाया, रामायण को ये मानते हैं, पाठ भी करवाते हैं, लेकिन वाल्मीकि भगवान को ये लोग नजरअंदाज करते हैं, जो लोग ब्राह्मणवादी लोग। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है, और सारी बातें छोड़ दो, भगवान मुगुनों को वोट डालना सीख लो, ये वोट जो है ना सबसे बड़ा हथियार है। जिस दिन हम लोगों ने वोट डालना सीख लिया, इन मनुवादियों की पतलूने गिली हो जाएंगी। हम लोग बात तो बाबा साहब अंबेडकर करते हैं, लेकिन उन्हीं पार्टियों को वोट करते हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ। तो ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसे महामानव पैदा हुए जिसने हमें इस देश में मानव बनाने का काम किया साथी। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इस कॉन्स्टिट्यूशनल डे की, और मेरे भाइयों को, हमारे छोटे भाई को, नेताजी हैं हमारे कांग्रेस के बहुत धुरंधर और अच्छा काम करते हैं समाज के लिए बोलते हैं, आप लोगों ने व्यवस्था करवाई मिल करके, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो कहूंगा कि अब जो है कोई भी प्रोग वाल्मीकि समाज में
या जाटा समाज में सारे के सारे लोग सभी महापुरुषों का सम्मान करो और जो भी कंट्रोवर्सी उसको खत्म करो। हम लोग आपस में जब तक नहीं मिलेंगे जब तक हम लोग आजाद होने वाले नहीं। सभी महापुरुषों का सम्मान करो, सभी भगवानों का सम्मान करो। जब हम लोग परशुराम जयंती मना सकते हैं तो चमारों को भी वाल्मीकि जयंती मनानी चाहिए, जाटों को भी वाल्मीकि जयंती मनानी चाहिए। आज ब्राह्मण को ब्राह्मण के हथियार से ही मारो। ब्राह्मण कभी वाल्मीकि नहीं हो सकता, ब्राह्मण कभी चमार नहीं हो सकता, लेकिन ये हमारे संगठन में घुस भी नहीं सकते। साहब काशीराम ने कहा था ना कि जातियां इतनी बड़ी बना दूंगा कि एक दिन जाति बनाने वाला रोएगा। लेकिन आपसे एक और निवेदन है, ये जो जातीय सिस्टम है ये इंटरनेशनल समस्या हो चुकी है आप लोगों की, अब ये अंतरराज्य अंतरराष्ट्रीय समस्या हो चुकी है। अब लोग जो ना इंग्लैंड में जाके मंदिर बना रहे हैं, गुरुद्वारे बना रहे हैं, जाति कभी नहीं जाती। अगर जाति से पीछा छुड़वाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तथागत बुद्ध का रास्ता है, धम्म का रास्ता है, बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता है। और एक छोटी सी बात के बाद अपनी बात खत्म करूंगा। एक महान दार्शनिक हुआ यूनान में, उन दार्शनिक का नाम था सुकरात। सुकरात जो है बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ और वहां के एक बड़े व्यक्ति ने उसको पढ़ाया और आगे बढ़ाया। जब सुकरात तर्क वितर्क करने लगा सारी बातों पे, तो वहां के राजा ने सोचा कि ये तो भाई जो है ना दिक्कत पैदा करेगा, तो उसको जेल में डाल दिया और फांसी की सजा दे दी। पहले जहर का प्याला पिलाते थे। तो सुकरात के दो शिष्य थे जेल में, अरस्तु और प्लेटो, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। वो कहते हैं गुरुजी हमने सेटिंग कर लिया, हम आपको यहां से भागा के ले जाएंगे। कहते नहीं, ये मेरे देश के कानून का अपमान होगा। कह रहा जो मुझे सजा मिली है मैं उसको भुगतूंगा। तो हंसते हंसते जहर का प्याला हाथ में लेता जेलर से, जेलर रोता है, आंखों में आंसू होते जेलर के। कहता साहब हमें पता है कि आप गलत नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारा कर्तव्य है। तो सुकरात कहता भाई तू अपना काम करा, तू कर। तो जब वो जहर का प्याला हाथ में लेता तो अपने दोस्त को, अपना जो शिष्य था उनको कहता कि प्लेटो मेरा एक काम कर देना। कहते क्या? कह रहे मैंने अपने पड़ोसी से एक मुर्गा उधार लिया था, उसके पैसे दे देना आप। और पी जाता है जहर का प्याला और वो अपनी जीवन लीला खत्म कर देता है। उससे पहले का वाक्य बताता हूं मैं आपको। एक लड़का सुकरात के पास जाता है और कहता है गुरुजी मुझे ज्ञान चाहिए। तो सुकरात कहता कि फलानी नदी के किनारे कल आ जाना आप, मैं आपको बताऊंगा ज्ञान क्या होता है। सुबह सुबह जब वो लड़का नदी के किनारे पहुंचा तो सुकरात वहीं पर थे। सुकरात ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ। सुकरात नदी की तरफ जाते हैं, अंदर जाते हैं, वो लड़का भी पीछे पीछे जाता है। और जब पानी यहां तक आ जाता है नाक तक, तो सुकरात उसका गला पकड़ के नीचे डुबोने का काम करता है जब तक वो छटपटाता नहीं। फिर एकदम छोड़ता, वो लड़का बाहर भागता है नदी के किनारे और सुकरात को भला बुरा कहता। फिर सुकरात उससे पूछते हैं कि भाई मुझे एक बात बता, जब तू पानी के अंदर था तो तुझे कौन सी वस्तु चाहिए थी, तुझे धन दौलत शोहरत इज्जत क्या चाहिए था? कहता नहीं, मुझे ऑक्सीजन चाहिए था। तो जब सुकरात ने कहा कि जिस दिन अपने लक्ष्य के प्रति इतनी तड़प पैदा कर लोगे, जब तुम पानी में थे तो तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए था, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत है सफल और सफल होने से नहीं रोक सकते। सफलता का राज ही कलाम कहते थे अब्दुल कलाम, जिस दिन मन से आपने संकल्प कर लिया ना, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो हमने तो संकल्प कर रखा जी, हमारे समाज पे हमेशा लोगों ने आरोप लगाया कि हम लोग जो ना दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम लोग ब्राह्मणवाद की तरफ ज्यादा जाते हैं। हम संकल्प करते हैं कि वाल्मीकि समाज हमेशा आइडियोलॉजी के साथ रहेगा, अगर उसको हिस्सेदारी मिलेगी तो। धोखा अगर अपने भी देंगे तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगा भाई। तो आप लोगों ने सारी बातें बताया, मैं कोई नई नहीं बता रहा, मैं पुराने महापुरुषों की बातें रिपीट कर रहा हूं जो बड़े बड़े महान पुरुष कह गए। आप लोग दो बात पल्ले गांठ मार लो बस, सच बोलना शुरू कर दो और अपने लोगों का सम्मान करना शुरू कर दो। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और इस बार 2020 में इस लाला जी के साथ 2020 खेल लो, इसमें निपटा लो, है ना। तो इस बार अपनी बहुजनों की सरकार बना लो भाई। जय भीम, जय मान्यवर साहब श्री काशीराम, जय वाल्मीकि, जय रविदास। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।